अब मूवी की कहानी शुरू होने से पहले हमें ये बताया जाता है कि ये मूवी दरअसल द नाइन गेट किंगडम ऑफ शैडो की एक किताब पर बनाई गई है, जो एक ऐसी किताब माना जाता है जिसके जरिए इंसान शैतान को बुला सकता है और अमर भी बन सकता है, और इसे खुद शैतान लूसीफर ने ही लिखा था। अब इस मूवी की शुरुआत में हम टेल्फन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो एक फंदे से लटक कर खुदकुशी कर लेता है। जिसके बाद अब हम मूवी के हीरो कॉर्सो को देखते हैं, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध बुक डीलर होता है। वो पुरानी ऐतिहासिक किताबों को बहुत ही सस्ते दामों में खरीद कर उसे अपने एक दोस्त के जरिए बहुत ही महंगे दामों में बेचा करता था, और इसी तरह से वो अपना गुजारा कर रहा होता है। जिसके बाद अब एक दिन बैलकम नाम का एक बिजनेसमैन उसे अपने घर बुलाता है, और वो यहाँ पर कॉर्सो को एक बहुत ही पुरानी किताब दिखाता है, जिसका नाम नाइन्थ गेट द किंगडम ऑफ शैडो होता है। वो कॉर्सो से कहता है कि इस किताब की कुल 3 कॉपीज बची हुई है, लेकिन उसमें से केवल एक ही किताब असली है, और बाकी की 2 किताब असली किताब की नकल करके बनाई गई है, जो कि एक स्पेन में है और एक पेरिस में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये पता लगाओ कि 3 किताबों में से कौन सी किताब असली है, और अगर मेरी किताब असली नहीं निकलती तब तुम्हें असली किताब को किसी भी तरह से मेरे पास लाना होगा। पर कॉर्सो उस काम को करना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो बैलकन के अच्छे पैसों के ऑफर को मना नहीं कर पाता। इसलिए अब वो असली किताब की खोज में सबसे पहले टेल्फर के घर जाता है। टेल्फर दरअसल वही आदमी होता है जिसने 9 गेट किताब को बैलकम को बेची थी, और उसकी अगले दिन बाद ही उसने खुदकुशी कर ली थी। अब टेल्फर के घर पर पहुंचने के बाद कॉर्सो की मुलाकात टेल्फर की पत्नी लियाना से होती है, और यहाँ पर कॉर्सो को लियाना से बात करने पर पता चलता है कि ये किताब टेल्फर ने सेनिजा ब्रदर से खरीदी थी, क्योंकि उन्हें किताब में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। और वहीं अब लियाना से बात करने के बाद जब वो अपने दोस्त की दुकान पर जा रहा होता है कि तभी उसे पता चलता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब ये जानने के बाद वो उस किताब को अपने दोस्त को सुरक्षित रखने को दे देता है, जिसके बाद अब वो अपने घर लौट आता है। अब रात में लियाना उसके पास आती है, क्योंकि वो उसे सीड्यूस करके उस किताब को लेना चाहती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो किताब उसके पास ही नहीं है, तब वो उसे बुरी तरह से घायल करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब अगले दिन कॉर्सो अपने दोस्त के पास उस किताब को लेने के लिए जाता है, तब वो देखता है कि उसकी दोस्त को किसी ने मार दिया है, जो देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है। इससे अब वो ये समझ जाता है कि उसकी दोस्त की हत्या किसी ने उस किताब की वजह से ही किया है। इसलिए अब वो तुरंत ही अपने दोस्त की हिडन लॉकर से उस किताब को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब वहाँ से निकलकर वो तुरंत ही बैलकन को कॉल करके उसे इस काम को करने से मना कर देता है, जो सुनकर बैलकन उसे इस काम को पूरा करने के लिए डबल पैसों का ऑफर देता है, जिसके लालच में कॉर्सो मान जाता है। जिसके बाद वो वहाँ से स्पेन में सेनिजा ब्रदर से मिलने के लिए निकलता है। टेल्फर ने दरअसल 9 गेट किताब को इन्हीं से खरीदा था, और अब सेनिजा ब्रदर से मिलने के बाद कॉर्सो को पता चलता है कि इस किताब को टेल्फर ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी लियाना ने ही खरीदा था। टेल्फर तो इस किताब को खरीदना भी नहीं चाहता था, उसने बस इस किताब के पैसे ही दिए थे। वहीं उसे लियाना के बारे में ये भी पता चलता है कि वो एक ऐसे समुदाय से आती है जो कि काले जादू में यकीन करते हैं, और यहाँ पर सेनिजा ब्रदर कॉर्सो को उस किताब के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये किताब 2 लोगों ने मिलकर लिखी थी, जिसमें से एक एर्टिसाइड टॉर्शिया और दूसरा शैतान लूसीफर था, और इसी वजह से इस किताब में दिए गए 9 पहलियों में से 6 में एर्टिसाइड टॉर्शिया के साइन है, वहीं 3 में लूसीफर के साइन है। लेकिन जब लोगों को ये पता चला कि टॉर्शिया ने इस किताब को शैतान के साथ मिलकर लिखा है, तब लोगों ने उसे और उसके परिवार को जिंदा जला दिया। अब सेनिजा ब्रदर से मिलने के बाद कॉर्सो दूसरी किताब के ओनर के पास जाता है, जिसका नाम विक्टर होता है, और यहाँ पर कॉर्सो विक्टर को अपनी किताब यानी कि बैलकन की किताब को दिखाता है, और उसे उसकी किताब के साथ मिलने के लिए कहता है। अब यहाँ पर जब दोनों उन दोनों किताबों का मिलान करते हैं, तब उन्हें वो दोनों किताब बिल्कुल एक ही जैसे दिखाई देते हैं, जो देखकर दोनों भी हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद अब जब कॉर्सो उस किताब को बहुत ही बारीकी से कंपेयर करता है, तब उसे उस किताब में दी गई पहेलियों में अंतर दिखाई देता है। जैसे कि एक पहले में एक इंसान ने चाबी बाएं हाथ में पकड़ी थी, वहीं दूसरी पहले में दाएं हाथ में। इसके अलावा लूसीफर के साइन भी अलग अलग जगह पर होते हैं, जो देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं। लेकिन कॉर्सो को ये समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों है।
जिसके बाद अब रात होने पर वो जैसे ही विक्टर के घर से बाहर निकलता है कि तभी कुछ लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं और फिर तभी वहाँ एक रहस्यमय लेडी आकर कोर्सो की जान बचा लेती है। दरअसल ये रहस्यमय लेडी शुरू से ही कोर्सो की रक्षा कर रही होती है। जिसके बाद अब विक्टर के घर से निकलने के बाद कोर्सो सीधे अपने होटल में जाता है। अब यहाँ पर बैल्कन उसे फोन करके उससे काम के प्रोसेस के बारे में पूछता है, जिस पर कोर्सो उसे विक्टर के पास रखी 9 गेट किताब के बारे में बताता है और वो उसे कहता है कि विक्टर उस किताब को कभी नहीं देगा, जो सुनकर बैल्कन कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह से उस किताब को लाना होगा, चाहे उसके लिए कितने भी पैसे क्यों ना लग जाए। अब इसके बाद अगले दिन रहस्यमय लेडी फिर से कोर्सो के पास आती है और वो उसे विक्टर के घर पर चलने के लिए कहती है, जो सुनकर कोर्सो वहाँ पर जाना तो नहीं चाहता था क्योंकि विक्टर ने उसे किताब को देने से मना कर दिया था, लेकिन वो उस लड़की की बात को मानकर उसके साथ विक्टर के घर पर आ जाता है और यहाँ पर उसे विक्टर की भी लाश मिलती है, जो देखकर वो बहुत ही चकित रह जाता है। जिसके बाद वो तुरंत ही किसी तरह से घर के अंदर आ जाता है और अब घर के अंदर उसे 9 गेट की दूसरी किताब जलती हुई मिलती है, जो देखकर वो जल्दी से उस किताब को आग से बाहर निकालता है, लेकिन तब तक वो किताब आधी जल चुकी होती है। पर उस किताब को जलाने से पहले किसी ने उस किताब में से 3 पन्नों को फाड़कर निकाल दिया था, जिसमें लूसीफर वाली पहेलियां होती है। अब ये सब देखने के बाद वो फिर से बैल्कन को फोन करके इस काम को करने से मना कर देता है, क्योंकि उस किताब की वजह से अब तक 2 लोग मारे जा चुके होते हैं। लेकिन बैल्कन उसकी बात को नहीं मानता और उसे इस काम को पूरा करने के लिए मजबूर करता है। जिसके बाद अब कोर्सो 9 गेट किताब के तीसरे ओनर के पास पेरिस में जाता है, जिनका नाम कैसलर होता है। अब बातों के दौरान कैसलर को ये पता चलता है कि कोर्सन बैल्कन के लिए काम करता है, जो जानने के बाद वो कोर्सो की मदद करने से इनकार कर देती है और उसे अपने ऑफिस से बाहर जाने के लिए कह देती है, जिसके बाद कोर्सो मायूस होकर उनके ऑफिस से निकल जाता है। लेकिन अब रास्ते में फिर से एक आदमी कोर्सो को मारकर 9 गेट किताब को छीनने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर वही रहस्यमय लेडी उड़ते हुए आती है और वहीं उसका उड़ना केवल ऑडियंस को दिखाई देता है, जिसके बाद वो लेडी उस आदमी को मारकर वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद अब कोर्सो और वो लेडी दोनों होटल आते हैं और अब होटल से कोर्सो बैल्कन को कॉल करके उसे सब बता देता है कि कैसलर उस किताब के कंपैरिजन के लिए राजी नहीं हुआ। जिसके बाद बैल्कन उसे एक बार फिर से कैसलर को मनाने के लिए कहता है, इसलिए अब कोर्सो अपनी वाली किताब की फोटोकॉपी निकालकर उसे होटल के अपने रूम में छिपा देता है और फिर वो अगले दिन फिर से कैसलर के घर जाता है और यहाँ पर वो कैसलर को पहेलियों में छिपे अंतर को दिखाता है, जो देखकर कैसलर उससे बहुत ही प्रभावित होती है और फिर वो कैसलर को अपनी किताब की जांच करने की परमिशन दे देती है। अब इस किताब में भी कोर्सो को लूसीफर के साइन अलग अलग जगह पर दिखाई देते हैं और जब वो कैसलर की किताब की जांच कर रही होती है कि तभी उसके सिर पर कोई हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद जब उसकी आंखें खुलती है तब वो देखता है कि किसी ने कैसलर को मारकर उनकी लाइब्रेरी को जला दिया। वहीं कैसलर की वो किताब भी उसके पास से गायब रहती है, जो देखकर वो तुरंत ही वहां से भागकर होटल आ जाता है और फिर वो अपने किताब को चेक करता है, लेकिन उसकी किताब भी किसी ने चोरी कर ली होती है, जो जानने के बाद वो तुरंत ही होटल के रिसेप्शन पर जाता है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि एक लड़की जो अपने आप को कोर्सो की पत्नी कह रही थी वो कोर्सो के रूम में गई थी, जो सुनकर कोर्सो को लगता है कि ये काम उसी रहस्यमय लेडी की है। पर तभी वहाँ पर वो रहस्यमय लेडी भी आ जाती है, जो उससे कहती है कि अगर उसने किताब की चोरी की होती तो वो यहाँ पर कभी नहीं आती। जिसके बाद होटल का मैनेजर उसके रूम में जाने वाली लड़की का हुलिया बताता है, जो सुनने के बाद कोर्सो समझ जाता है कि उसके रूम से किताब को चोरी करने वाली कोई और नहीं बल्कि टेल्फर की पत्नी लियाना ही है, जो जानने के बाद वो तुरंत इसके बारे में बैल्कन को एक स्पीड पोस्ट करता है और फिर वो लियाना का पता करने के लिए उसके लोकेशन पर जाता है। अब लियाना के एड्रेस पर पहुंचने के बाद कोर्सो को लियाना के साथ वो आदमी दिखाई देता है जो कई दिनों से उसका पीछा कर रहा था और अब उस आदमी को देखने के बाद कोर्सो ये समझ जाता है कि लियाना के आदमियों ने उस किताब को पाने के लिए उसके दोस्त विक्टर और कैसलर को मारा है, जो जानने के बाद कोर्सो और रहस्यमय लेडी दोनों लियाना का पीछा करने लग जाते हैं और अब वो दोनों लियाना का पीछा करते करते एक खतरनाक जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां दोनों भी यहां पर देखते हैं कि लियाना अपने
अपने कुछ लोगों के साथ नाइन गेट किताब के जरिए कुछ रिचुअल्स कर रही है। और अब कॉर्सो ये देखकर लियाना की पूरी सच्चाई को समझ जाता है और तभी वहाँ पर बैल्कन भी आ जाता है जो लियाना का गला दबाकर मारने की कोशिश करता है, जो देखकर कॉर्सो लियाना को बचाने के लिए जाता है पर तभी वो रहस्यमय लेडी उसे रोक देती है और तब तक बैल्कन लियाना को मार देता है और फिर वो किताब की पहेलिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद कॉर्सो भी बैल्कन का पीछा करने लगता है और वो बैल्कन का पीछा करते करते एक महल में पहुंच जाता है और अब वो यहाँ पर बैल्कन को भी उन किताब के पहेलियों के माध्यम से कुछ रिचुअल्स करते हुए देखता है, जो देखकर वो समझ जाता है कि बैल्कन उन किताब को अपनी लाइब्रेरी में रखने के लिए नहीं ढूंढ रहा था बल्कि वो भी उस लियाना की तरह इस किताब के जरिए नाइन गेट की पहेली को सुलझाकर अमर होना चाहता है। और अब हम यहाँ पर बैल्कन के पास हर एक किताब की तीन तीन पहेलियां को देखते हैं जिस पर लूसीफर के साइन होते हैं और इस तरह से उसके पास तीनों किताब के नौ पहेलियां होती है और अब इस तरह से उसके पास तीन किताबों के नौ पहेलियां होती है। और तभी बैल्कन जब कॉर्सो को देखता है तब वो उससे वहाँ से जाने के लिए कह देता है लेकिन कॉर्सो उनकी बातों को नहीं मानता क्योंकि बैल्कन ने उन किताब को पाने के लिए उसका इस्तेमाल किया था। जिसके बाद अब इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ाई के दौरान कॉर्सो लकड़ी के अंदर फंस जाता है जिसका फायदा उठाकर बैल्कन अपने रिचुअल को शुरू करता है और फिर वो सबसे पहले अपने चारों तरफ तेल बिखेर देता है जिसके बाद वो नौ पहेलियों को एक क्रम में रख देता है जो कि एक से लेके नौ के सीधे सीक्वेंस में होता है और इस तरह से उन्हें एक सीक्वेंस में रखने पर पहेली का एक मतलब बनता है कि सुनसान और वीरान रास्ते पर चलकर एक लंबी और सुरक्षित डगर पर खुशकिस्मत की तीर लाकर किसी से भी बिना डरे सबसे बेहतरीन खेल खेलकर मिलेगी वो चाबी जो खोल देगी नाइन गेट को। जो कहते हुए ही बैल्कन अपने चारों तरफ आग लगा देता है और फिर वो अपने आप को भी आग लगा लेता है क्योंकि उसने पहेली को सही क्रम में रखकर उसका मतलब निकालकर उसे हल कर लिया था और इस वजह से उसे लग रहा था कि अब वो अमर हो गया है जिस वजह से अब आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि बैल्कन आग में जलने लगता है और वो बुरी तरह से तड़पने लगता है जो देखकर कॉर्सो अपने आप को किसी तरह से बाहर निकालता है और फिर बैल्कन को तड़पता देख उसे इस डर से छुटकारा देने के लिए उसे गोली मार देता है और फिर पहेलियों को लेकर महल से बाहर निकल जाता है। अब महल के बाहर उसे फिर से वो रहस्यमय लेडी दिखाई देती है और अब वो यहाँ पर कॉर्सो को अजीब कारण से सीड्यूस भी करती है जिसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और इसी दौरान लड़की की आंखें कभी हरी तो कभी नीली तो कभी काली हो जा रही होती है जिसके बाद अब अगले सीन में कॉर्सो उस लड़की से सवाल करता है कि आखिर जब बैल्कन ने पहेली को हल कर लिया था तो वो मरा क्यों? जिस पर वो लड़की कहती कि दरअसल नौवीं पहेली असली नहीं थी। जिस पर फिर कॉर्सो उससे असली पहेली के लोकेशन के बारे में पूछता है जो सुनकर वो लेडी उससे पहले गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए कहती है। जिसके बाद अब जब कॉर्सो पेट्रोल भरवाने के बाद गाड़ी के पास आता है तब वो देखता है कि वो लड़की वहाँ पर नहीं है और वहाँ पर एक कागज होता है जिसमें नौवीं पहेली के लोकेशन के बारे में लिखा हुआ होता है जो कि सेनिजा ब्रदर के पास जाने के लिए लिखा होता है। जिसके बाद कॉर्सो तुरंत सेनिजा ब्रदर के वहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर वो देखता है कि उन लोगों ने अपनी लाइब्रेरी को बेच दिया था लेकिन अलमारी को साफ करने के दौरान उसे वहाँ पर नौवीं पहेली मिल जाती है जिसमें एक नूड लड़की एक पांच सिर वाले ड्रैगन के ऊपर बैठी होती है और वो महल की ओर इशारा कर रही होती है। अब इस पहेली को लेकर कॉर्सो जैसे ही नाइन्थ गेट के महल के पास आता है तो वो देखता है कि उस महल का नाइन्थ गेट खुल चुका है और वहाँ से एक बहुत ही तेज रोशनी आ रही है जो देखकर वो उस नाइन गेट से अंदर चला जाता है। दरअसल उसने अनजाने में ही इस पहेली को हल करके नाइन गेट के दरवाजे को खोल दिया था और फिर वो अमर हो गया। जिसके बाद फिर ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। पर अब मूवी खत्म होने के बाद आप कई सवाल सोच रहे होंगे कि आखिर वो रहस्यमय लड़की कौन थी। तो मेरे हिसाब से वो लड़की ही नौवीं पहेली वाली वो लड़की थी जो पांच सिर वाले ड्रैगन पर बैठकर महल की ओर जाने का इशारा कर रही थी। पर अगर आपके हिसाब से कोई और थियोरी हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।